आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स, जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि 2019 में कन्या राशि को कौन से उपाय और टोटके करने चाहिए ताकि उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिले, उन्हें उनके मनचाहे परिणाम मिले, धन संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं। वर्ष 2019 में हम जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं उसमें से कोई भी यदि आपने एक कर लिया तो आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आपको आपका मनचाह परिणाम मिलेगा, धन संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं। तो सबसे पहला है कि नियमित रूप से गीता का पाठ करें अथवा श्री गोपाल सहस्त्र सूत्र का पाठ करें। अब गीता जो पढ़ना है ऐसा है कि नहीं आपको रोज़ पूरी की पूरी गीता पढ़नी है, ऐसा नहीं है। आप गीता को एक अध्याय, कभी दो अध्याय, कभी तीसरा अध्याय, कभी चौथा पांचवा मिलाकर आप इस तरह गीता का पाठ नियमित रूप से कर सकते हैं। चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कीजिए। बुधवार के दिन गाय को हरी घास और चाला खिलाइए। शनिवार के दिन तेल का दान दीजिए। आप सर्व कार्य सिद्धि यंत्र का पूजन भी कर सकते हैं। आप भगवान शिव की पूजा और सोमवार का व्रत रखें। बृहस्पतिवार का भी व्रत रख सकते हैं। पुजारी को वस्त्र का दान करें। अपने घर के आसपास की जो जगह है उसमें हो सके, अगर पॉसिबल है तो आप कदंब के पेड़ लगाएं और गरीब विद्यार्थियों को पुस्तकें दान करें। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। समय समय पर किन्नरों को कोई वस्तु भेंट में दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बुधवार और रविवार को भैरव मंदिर में जाकर दर्शन करें और काले रंग के कुत्ते को रोटी तथा दूध दें। तुलसी का पौधा लगाएं, उसकी सेवा करें। जो गरीब विद्यार्थी हैं उन्हें कॉपी किताब के अलावा आप अन्य स्टेशनरी की भी सामान दे सकते हैं। नित्य यदि आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा। आपके लिए 5, 14, 23 और 32 भाग्यशाली अंक होंगे साल 2019 के लिए। माह की 5, 14 और 23 तारीख को अपने महत्वपूर्ण कार्य आप शुरू कर सकते हैं। हरे, सफ़ेद, उछले या फिर ग्रे रंग के वस्त्र आप धारण करेंगे तो आपको बहुत फलेगा। पन्ना धारण करें, पर पन्ना धारण करने से पहले आप एक बार ज्योतिषी को अपना कुंडली जरूर दिखा लें। मन को शांत रखने के लिए आपको ध्यान लगाने की जरूरत पड़ेगी। हम आपको एक वैदिक उपाय बता देते हैं। सुबह और शाम आप ध्यान करें, ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा और विष्णु सहस्त्रनाम सब चीज का तोड़ है आपके लिए। आप श्री यंत्र का लॉकेट बनवा के भी पहन सकते हैं। आप जो भी काम करते हैं उस काम में आप अपना पूरा वक्त दें, 100% दीजिए। अच्छे संगीत और साहित्य आप सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हो सके तो अपने परिवार को अच्छा समय दें ताकि आप हमेशा सुखी संपन्न जीवन बिता सकें। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।